और देश के नाम को रोशन करने का काम करेंगी। कोई एक दिन रह जाता है किसी के साथ, दो दिन रह जाता है, तीन दिन रह जाता है, और जब जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं। इस कॉलेज के अंदर जो बच्चियां तीन वर्ष से लगातार इस कॉलेज में पढ़ाई की हैं, हमारा प्रणाम की हैं, हमारा आदर की हैं, और माँ बाप के सपने को पूरा करके जा तो जरूर रही हैं, लेकिन कहीं से न कहीं से हमें बहुत दिन के बाद मिलने के बाद आशीर्वाद देने को मिलेगा और आप लोगों को मेरा प्रणाम करने को मिलेगा, इस बात का गम मुझे बहुत है। खुशी इस बात की है कि जिस माँ बाप ने मजदूरी करके, क्योंकि ये सभी बेटियाँ हमारे गरीब बाप की बेटी हैं, जो बाप मजदूरी करके रिक्शा चलाकर किसानी चला करके किसी तरीके से आपका फीस का इंतजाम किया होगा, उस माँ बाप के आप सपने को पूरा करने जा रही हैं, इस बात की हमें खुशी है। एक तरफ गम है, दूसरे तरफ खुशी है, लेकिन लगाव तो लगाव है। आपके इस नर्सिंग कॉलेज में मैं जरूर साल भर में एक बार कार्यक्रम में आप लोगों के बीच होता था, लेकिन आज चार पांच वर्ष से हमको लगता है पहली बार अपने इन बच्चियों के बीच में हूँ। शायद इसमें से बहुत बच्चियां जानती भी नहीं होंगी कि हम हैं कौन। सामने मिल गई, नमस्ते की, हमने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि यह जिम्मेदारी जो हम संरक्षक का काम करते थे, इस जिम्मेदारी को बूढ़ा होने के कारण, उम्र अधिक हो जाने के कारण हमने प्रबंधक महोदय संजय यादव जी को दे दिया और इस चेतावनी के साथ दिया कि अपने माँ बाप की ये कम लड़कियां हैं, काशीनाथ की ज्यादा लड़कियां हैं। इसलिए हमारी बच्चियां यहां से अपने भविष्य का निर्माण करें, लक्ष्य को हासिल करें। हो सकता है कोई अभाव हो, इन बच्चियों को न दे पा रहे हो आप, तो लड़कियों को समझा दीजिए कि दुनिया में कोई भी हैसियत हुई है वो अभाव में ही पैदा हुई है। जेम्स वाट भात बनाने वाला आदमी था, किचन में काम करने वाला आदमी था, रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किया। वास्को डी गामा नाव चलाने वाला मल्लाह था, धरती की खोज किया। भारत के संविधान का निर्माता उस परिवार का था कि उसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, हैंडपाइप का पानी नहीं छूने दिया गया, जिस पर अमेरिका गर्व करता है कि हम धन्यवाद देते हैं अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कि हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला लड़का जा करके भारत का ऐसा संविधान दिया कि पूरे दुनिया के अंदर उतना बड़ा संविधान और अच्छा संविधान किसी देश के पास नहीं है। अभाव में पैदा हो गया था, अभाव में पैदा हुआ था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। जो भी दुनिया में शख्सियत हुई है अभाव में है। जिसको बहुत भाव मिल जाएगा वो शायद अभाव का ध्यान उसे नहीं पड़ेगा। अभाव में पलने वाला आदमी ही आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन का निर्माण करता है। इसलिए भाव से पाने वाली कोई चीज उतनी माने नहीं रखती जितना अभाव में पैदा होकर के आदमी आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन का निर्माण करता है। इसी को ध्यान में रख करके
कोई नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज देहात में नहीं खोलता, शहर में खोलता है। लेकिन अगर ये कॉलेज शहर में होता तो साहब गरीब बच्चों के माँ बाप अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाते। इस कॉलेज से इलाके को, क्षेत्र को जरूरी असुविधा है कि लड़की अपने घर रह करके और वही शिक्षा प्राप्त करेगी जो लखनऊ में पढ़ाई हो रही है, दिल्ली में पढ़ाई हो रही है और बंगलोर में पढ़ाई हो रही है। हमारी बच्चियों को भी वही नौकरी मिलेगी जो जीएनएम का कोर्स करके बंगलोर से आएंगी। कभी भी अपने मन में ये मत रखिएगा कि हमारे माँ बाप ने हमें अभाव में रखा, इतना कब किया कि मजदूरी करके आपको किसी तरीके से फीस जुटा करके आपके भविष्य के निर्माण के लिए सपना देखा, उनके सपने को पूरा करना और उनसे कहीं ज्यादा सपना हम देखे होंगे कि अगर हमारी लड़कियां टॉप करती हैं तो केवल अपने माँ बाप के लिए ही नहीं लेकिन यह स्कूल का सौभाग्य बढ़ाती हैं, स्कूल का नाम क्षेत्र में नहीं, जिले में नहीं, दुनिया में रोशन करने का नाम काम करती है। सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी, दुख भी है खुशी भी है कि अब मेरी बच्चियां जाएंगी, अच्छी नौकरी हासिल करेंगी और अपने माँ बाप को, जिन्होंने आपको बोझ नहीं समझा, उनके भी बुढ़ौती में उनका आप बोझ उठाने का काम करेंगी, यह जरूर मेरी उम्मीद है आप लोगों से। हमारा क्या है पता नहीं, आज है कल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगला क्षण किसी का है कि नहीं है यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम 100 वर्ष भी रह सकते हैं, 200 वर्ष भी रह सकते हैं, 500 वर्ष भी रह सकते हैं, जो पढ़ाया जाता है कि फलाना भी 1000 वर्ष जिए और शायद अगला पल भी हमारा हो नहीं सकता है। इसलिए उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लेकिन हम रहें न रहें ये कॉलेज रहेगा, और कॉलेज की आप लोग बुनियाद हो। हम सबसे पहले तो उन जिनका विदाई हमने बड़े शौक से किया था, पहला बैच निकला था, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस देहात में, इस कॉलेज में पहली साल कोई पढ़ने आता ना आता, लेकिन उन लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके कि पढ़ाई तो एक है, कोर्स तो एक है, अंतर केवल स्थान का है, कोई लखनऊ में है, कोई राम भजनपुर पैरामेडिकल कॉलेज में है, कोर्स एक है, सिलेबस एक है, टीचर्स वहां से बढ़िया यहां हो सकते हैं, तो हम दिखाने का काम करेंगे कि किसी लखनऊ, बंगलोर और कलकत्ता से बेहतर पढ़ाई काशीनाथ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज में होती है। अगर वो बच्चियां पहले नहीं पढ़े आई होती तो शायद आप लोग बहुत बाद में आए। आप लोगों को भी उन बच्चियों को प्रणाम करना चाहिए कि जो आपकी बड़ी बहनें यहां से पढ़ी तो इस स्कूल की स्थापना को मजबूत किया, और आने वाले समय में आज आपकी विदाई कर रहा हूं, अगली साल और अपनी बेटी की, बेटियों की विदाई करेंगे, जब तक जिएंगे हर साल विदाई करेंगे, हर साल विदाई करेंगे, क्योंकि एक संरक्षक के लिए जिस तरीके से मेरे लिए हमारी बेटी है, उससे कहीं 100 गुना अधिक आप लोग हमारी बेटी हो, क्योंकि जिस माँ बाप ने हमारे सहारे, वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो,
रहने का क्षेत्र हो अगर यहाँ पर भेजा है तो आपको सुंदर से सुंदर पढ़ाई, अच्छे से अच्छे विचार देना हमारा कर्तव्य है। और सही बात तो ये है कि मैं आता भी तो 3-4 वर्ष से नर्सिंग कॉलेज के कार्यक्रम में हमें कोई बुलाता ही नहीं है। या तो लोग समझ गए होंगे कि हमारी उम्र खत्म हो गई है, और नहीं तो सोच लिए होंगे कि शायद आएंगे नहीं, या तीसरी बात कि हम बीमार भी बहुत रहते हैं। चलना बहुत पड़ता है राजनीति में। जब हम पढ़ने गए थे तो हमारे पैर में चप्पल नहीं था, पिताजी मर गए, माँ मर गई, हमारे काका ने बड़ी गरीबी में पढ़ाया। आप लोग लाइट के सामने पढ़ते हैं, हमको डिवरी तक नहीं पढ़ने के लिए मिली। ऐसा नहीं था कि घर वाले नहीं दिए, था ही नहीं, कहाँ से दें। लेकिन हमारे काका ने खून पसीना एक करके पढ़ाया, और रास्ते में मैं पढ़ता जाता था, केवल रास्ता ही पढ़ने के लिए समय मेरा होता था। लेकिन मैंने इतनी मेहनत किया कि BSc तक मैंने कभी सेकंड क्लास नहीं आया, ऑलराउंड फर्स्ट क्लास, और हमेशा टॉप किया। इसलिए मैं कहता हूं कि अभाव की चिंता छोड़ो, पढ़ने वाले के लिए कहां अभाव है, कहां समय नहीं है। आज पंखे में जो सो रहे हैं उन्हें बिना पंखे की नींद नहीं आ रही है, जो AC में सो रहे हैं पंखे में नींद नहीं आ रही है। जरा उनसे भी पूछो गांव में, जिनका न पंखा है, जिनकी न AC है, उनको कैसे नींद आती होगी। और वही लोग आप लोगों के भविष्य को बनाने के लिए यहां भेजे हैं, जिन्हें न पंखे की हवा मिल रही है, न बिजली की लाइट मिल रही है। लेकिन मेरी बेटी को पंखा भी मिले, AC भी मिले, अच्छा जीवन भी मिले, अपने बुलंदियों पर पहुंचे, इसी सपना को लेकर के गरीबों की बेटियों, इस बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए निकली हैं। मेरा उम्मीद है, आशा भी है, और जानता भी हूं कि आप उनके भी सपने को पूरा करेंगी और मेरे भी सपने को पूरा करेंगी, इस कॉलेज को सपनों को पूरा करेंगी, और प्रबंधक संजय यादव जी के भी सपने को पूरा करेंगी। इसी उम्मीद के साथ कि वतन की फिक्र करना था मुसीबत आने वाली है, अगर नहीं प्रगति के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे तो शायद यह समय फिर नहीं मिलेगा। हम चाहें तो अब नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने की मेरी उम्र बीत गई है, समझना पड़ेगा। और नहीं तो यह उम्र चौराहा है, जाना है इधर, लोग चल देते हैं इधर, समझे में नहीं आता है रास्ता कौन सा मेरा है। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तेरी यह दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। अगर यह उम्र आपने बर्बाद कर दिया तो शायद आप अपना इतिहास ही खत्म कर देंगी। बड़ा सोच समझ करके चलना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब मंजिल हासिल करनी होगी, क्योंकि आज कंपटीशन का युग आ गया है, 90% से काम नहीं चलेगा, हाँ 95% से भी नहीं चलेगा, 99% से भी नहीं काम चलेगा। आजकल लड़के 99.9% पा रहे हैं, इसलिए उस रेस में बड़ी मेहनत करनी होगी। हमें उम्मीद है कि अपने भविष्य को संवारने के लिए आप खुद मेहनत करेंगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।